मोस्ट प्रॉफिटेबल सक्सेसफुल स्मॉल बिजनेस आर्डर इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि प्लास्टिक मोल्ड निर्मित उद्योग जो है आज के इसमें कितना फायदेमंद है। अब यही एक ऐसा बिजनेस है, आज अगर वर्तमान स्थिति देखा जाए तो एक ही मशीन के अंदर आप लगभग हजारों के ऊपर प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। खाली आपको अलग अलग डाइस की ज़रूरत गिरती है और अलग अलग टाइप के प्लास्टिक की ज़रूरत गिरती है। अगर आप दूसरा कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, उस बिजनेस में अगर आप मार्केट कवर नहीं कर सके तो मशीन और बिजनेस के लगी हुई लागत दोनों भी खतरे में आ सकती है और बिजनेस लॉस में जाने की भारी संभावना बची है। लेकिन ये प्लास्टिक मोल्ड जो बिजनेस है उसमें आपको लॉस होने का सवाल ही नहीं होता, क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर आपका नहीं चलता मार्केट में तो आप दूसरा प्रोडक्ट चला सकते हैं, तीसरा चला सकते हैं। आपका मशीन आपका बिजनेस वही रहेगा, खाली आपको डाई चेंज करना होगा। लगभग 1,500 रुपये से लेकर तो 5,000 रुपये तक अलग अलग चीज़ की डाई आती है, या तो आप खुद भी डाई बना सकते हैं, डाई मेकिंग मशीन ला तो इस मोल्ड के अंदर आप प्लास्टिक की बोतलें भरनी कैन जैसे कि यहाँ पे जो दिखा है वो सभी घरगुती उत्पाद करने वाली जो कंपनियाँ रहती है जैसे कि तेल पैकिंग करने वाली कंपनियाँ, तो आप उनसे बात करके वो बॉटल आपके पास से लेने के लिए उसका प्राइस कोटेशन ले सकते हैं। अगर आपको उसका प्रोडक्शन पूरता है तो आप उसका प्रोडक्शन कीजिए। उसी प्रकार बटन्स सेट के जो बटन्स रहते हैं, मतलब रेडीमेड गारमेंट वाली जो कंपनियां रहती है उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। आप जो करंट में जो चीज़ लेते हैं उसका प्राइस क्या है, आप जो बनाएंगे उसका प्राइस कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको मुनाफा बचता है तो ज़रूर उसका प्रोडक्शन कीजिए। उसके बाद में कंप्यूटर के असेंबलीज है, कार के असेंबलीज आती है, मोटरसाइकिल की असेंबली आती है। तो जैसे कि अगर समझो किसी का मोटरसाइकिल है हीरोंडा कंपनी का, एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको, और उसका सामने का जो हेडलाइट रहता है उसका प्लास्टिक क्रैक होगा, मतलब वो काम से गया। अगर वही प्लास्टिक कवर उसको ओरिजिनल कंपनी का लेना है होंडा कंपनी का तो लगभग वो 1,400 रुपये के आसपास आता है। अगर उसको डुप्लीकेट लेना है तो लगभग 400 या 500 रुपये में आता है। तो जो भी कस्टमर है वो सेकेंडली प्रोडक्ट परचेस करता है तो उसमें इस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है। तो उसी प्रकार आप अलग अलग प्रकार के, मतलब जो भी प्लास्टिक की चीज़ है वो सभी आप एक ही मशीन के अंदर बना सकेंगे। खाली आपको प्लास्टिक का जो वर्जन रहता है, जो टाइप रहता है, उस टाइप आपको बदलना पड़ेगा। तो उसमें आप पैकिंग के बॉक्सेस, ट्रॉलिंग के जो बॉक्सेस रहते हैं, गुड ट्रांसपोर्ट कंपनियां वाले जो परचेस करते हैं ये भी बना सकते हैं। फ्लैम्बिंग के जो काम आते हैं, नल के, प्लास्टिक नल, प्लास्टिक के पाइप, ये सब बना सकते हैं उसके अंदर। तो इसी प्रकार मतलब जो भी चीज़ प्लास्टिक की है वो आप उत्पादित कर सकते हो। उसका जो कस्टमर रहेगा वो डायरेक्टली आप जो डीलर रहते हैं उनको दे सकते हो, नहीं तो आपके आस पड़ोस में जो प्लास्टिक के रिलेटेड कंपनियां रहती है, जैसे कि कोई चॉकलेट बनाने वाली कंपनी है जो प्लास्टिक के खिलौने चॉकलेट के अंदर डाल के पैकिंग करके बच्चों को बेचती है, तो आप डायरेक्टली उस कंपनी को कॉन्टैक्ट करके उनको भी छोटे छोटे खिलौने बना के दे सकते हैं। तो मतलब इस टाइप का उसका स्वरूप रहेगा। तो इसमें जो कच्चा माल लगता है अलग अलग प्रकार के आपको प्लास्टिक के दाने लगेंगे, जो आप नीचे जो वेबसाइट दिया है उसमें उसकी जानकारी दी है उसे कैसे परचेस करना है। उसके लिए जो प्लास्टिक इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन लगेगा, आपको एक डाई लगेंगी, तो डाई आपको मल्टीपल लगेंगी। जो प्रोडक्ट आपको बनाना है उसका आपको हर एक प्रोडक्ट का एक डाई लगेगा। अब मशीन आपका सेम रहेगा, अभी मशीन जो है लगभग 5 लाख से लेकर तो 25 लाख तक मशीन आती है, और रिकमेंडेड आपको हम ये करते हैं कि 11 लाख वाला मशीन सबसे बेहतर है। तो इसका जो आपका जो माल है आप लोकल में आपके डीलर को दे सकते हो या तो ऑल इंडिया भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्लास्टिक के संबंधित उत्पादन करने वाली जो कंपनियां रहती है, जैसे कि समझो कोई कंपनी है जो डिजिटल वाटर बनाती है, तो आप उस कंपनी को बॉटलिंग का कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं। जैसे कि समझो कोई कंपनी है जो श्रीखंड बनाती है, तो श्रीखंड के जो बॉक्स रहते हैं उसका आप उनको मिलकर उससे भी कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हो। या तो कोई समझो इलेक्ट्रॉनिक का बहुत बड़े डीलर है तो लाइट फिटिंग के रिलेटेड जो सामान आता है, जैसे कोई होल्डर होगा, पीवीसी प्लेट होगी ऊपर की, बटन्स हो गए, तो वो भी आप उसके अंदर बना सकते हैं।
तो ये सब इसमें आपको लगभग नफा सालाना 10 से 12 लाख तक बचेगा, मतलब उसमें आपका मुनाफा होगा। लागत जो है वो लगभग 11 लाख और 4 लाख दाने के लिए पकड़ के चलिए तो टोटल 15 लाख लागत आएगी। उसके लिए जो जगह है वो कम से कम 5,000 चौरस फुट चाहिए, अगर 1,500 कम ज़्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें भी चल जाएगा। उसमें मजदूर लगेगा टोटल 4, तो अकुशल मजदूर एक भी भगा तो चलता, आपके ऊपर डिपेंड करता है उसे रखना है या नहीं। मशीन लगभग 11 लाख की है। जिस जगह पर आप बिजनेस डालेंगे वहाँ पर पानी अब बिजली की जरूरत है, पानी उतना नहीं लगता है, लेकिन मॉडल्स को ठंडा करने के लिए या तो आपातकालीन परिस्थिति में अगर कहीं पर शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके लिए पानी की सख्त जरूरत है। तो आगे हम मशीन के बारे में देखते हैं। उसे प्लास्टिक मॉडलिंग मशीन बोलते हैं, एकदम बढ़िया मशीन रहती है। उसकी गारंटी वगैरह भी सब रहता है, मेंटेनेंस जो उसका सर्विस वगैरह है वो खुद कंपनी ही आपको देती है इंस्टॉलेशन। अब इसका ऑपरेशन कैसे करना है उसका लगभग आपको 15-20 दिन का ट्रेनिंग देती है कंपनी आपके पॉट पे आके। खाली आपको उनका जो आदमी रहेगा ट्रेनिंग देने वाला, उसका जो चार्जेस है वो आपको पर डे के हिसाब से उसको देना है। फिर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी सीखते हैं, कितना ज़्यादा समय लगाते हैं। तो उसे प्लास्टिक मॉडलिंग मशीन बोलते हैं। अब ये डाई का एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ये छोटा सा डाई है। अगर आपको बड़ा प्रोडक्ट बनाना है तो बड़ा डाई लगेगा। अब वही हिसाब से उस मशीन का सेटिंग भी रहता है। मशीन के जो ग्रेड रहते हैं और छोटे बड़े के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बड़ा डाई वाला जो मशीन है जो मैक्सिमम बड़ी डाई बनाता है वो थोड़ा महंगा आएगा, मतलब 11-12 लाख के आसपास। अब जो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स की डाई लोड करने वाली जो मशीन रहती है वो कम आएगी, वो 5-6 लाख के आसपास भी आ सकती है। तो बड़ा मशीन ही सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि बड़ा मशीन में ये फायदा है कि जैसे कि छोटे मशीन के अंदर सपोज एक टाइम अगर हम 2 मग्गे निकाल सकते हैं, वही जगह पर अगर बड़ा मशीन है तो एक टाइम पे 6 मग्गे भी हम निकाल सकते हैं, मतलब एक ही डाई के अंदर 6 मग्गे का डिजाइन करना पड़ेगा आपको, तो ये सबसे ज़्यादा फायदा है। तो दोस्तों इस बिजनेस के रिलेटेड जो दाने लगते हैं आपको वो अलग अलग टाइप के, जैसे कि ऑयल कैन के लिए अलग दाना लगता है जिसका पेट वन है, उसके बाद में जो केमिकल रहते हैं उसके लिए ADP का दाना लगता है, जो कार्टेज रहते हैं उसको वी टाइप, जो केमिकल के रिलेटेड लिक्विड रहता है उसके लिए LDPE, उसके बाद में ग्रीस के लिए PP, ग्रीस के जैसे डब्बे के लिए, और जो ऊसो वाला रहता है उसे PS, और आदब के लिए 7 नंबर, मतलब P7। तो इस टाइप के ये जो जानकारी है जहाँ से आप मशीन लेंगे वही पर्सन आपको अलग अलग टाइप के जो दाने कहाँ पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, उसका प्राइस क्या है आपको बताएगा। आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है उसके अंदर भी उसका डिटेल है, आप प्लास्टिक कैसे परचेस कर सकते हैं। तो ये सबसे सक्सेसफुल और सबसे बेस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है आज के तारीख में। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हमेशा बिजनेस के रिलेटेड वीडियो अपलोड करते हैं, तो जो भी नया वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। और फिलहाल अभी भी हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस और जॉब के रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। अभी बिजनेस के बारे में अधिक जानकारी आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक के ऊपर दी है, आप जब उसे विजिट कीजिए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।